हेलो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं सुकांत सरंगी, आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रैवल विद सुकांत सरंगी। तो मैं आज आ गया हूँ मेघेश्वर मंदिर। ये भुवनेश्वर शहर में उड़ीसा में अवस्थित है। ये मंदिर शिव जी को समर्पित है, भगवान शिव जी का मंदिर है। चलिए आइए दर्शन कर लेते हैं मेघेश्वर मंदिर। तो चलिए इस मंदिर की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेघेश्वर मंदिर। ये मेघेश्वर मंदिर जो है ये 11वीं या 12वीं शताब्दी का मंदिर है। एग्जैक्ट बोलो तो ये मंदिर जो है 1192 AD में बनाया गया था। इस मंदिर को बनाने के लिए 3 साल लगा था। और ये मंदिर का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये गंग वंश राजाओं के टाइम का बनाया गया था। गंग वंश के जो राजा थे, राजा जो राजा रानी टेम्पल बनाए थे, उन्हीं के भाई जो हैं अनंग भीम, इन्हीं के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। ये जो मंदिर है ये शिव जी को समर्पित है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर जो है भुवनेश्वर में है और ये टंकपाणी रोड के ऊपर है। इसी मंदिर के आसपास में और भी 2 पुराने मंदिर है। आप अगर मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे, ब्रह्मेश्वर मंदिर तो इसी मंदिर के नजदीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मंदिर का नक्काशी बहुत ही सुंदर है। ज्यादातर उड़ीसा के मंदिरों में आपको ये नक्काशी मिलेंगे। और देख सकते हैं बहुत सारे नक्काशी तो मिट गए हैं, टूट गए हैं। भुवनेश्वर में कहा जाता था 999 शिव मंदिर हुआ करते थे एक टाइम में, अभी तो उतने हुए है नहीं। ये भी मंदिर उसी शिव मंदिर लिस्ट में से एक है। ये मंदिर ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोकल्स जानते हैं लेकिन लोकल भी बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। ज्यादातर शिवरात्रि में ही यहाँ जो भीड़ होता है वो भी आसपास के लोग आते हैं, बाकी टाइम में ये मंदिर पूरा खाली ही रहता है। और बाहर के विजिटर्स तो ना के बराबर यहाँ आते हैं। तो अगर आप कभी भुवनेश्वर आते हैं और आपको मौका मिलता है तो ये मंदिर घूमना मत भूलिए। बहुत ही सुंदर मंदिर है, ऐतिहासिक धरोहर बोल सकते हैं आप इसको। और आपको यहाँ से उड़ीसा के प्राचीन शिल्प कला के बारे में जानने का मौका मिलेगा। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं समय के प्रभाव से मंदिर के ज्यादातर नक्काशी सब मिट गया है, जो भी बचा कुचा है वो आपके सामने है। मेघेश्वर मंदिर घूमना हो गया। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।